क्या फट गई थी क्या ब्लॉग लू, ऐसा ऐसा हुआ पूरा वो प्लेन। कसम से इज्जत से पड़ गई थी डायरेक्ट। मैं भी बहुत डरा हूँ भाभी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हो। वेरी गुड मॉर्निंग फैमिली, वेलकम टू तिलक प्रे फैमिली ब्लॉग्स। अभी बज रहे सुबह के 10 और घर में सभी लोग रेडी हो चुके हैं, पूजा क्लिनिक जा चुकी है, पापा रेडी होके शॉप पे जा रहे हैं, कुणाल क्या कर रहा है देखते। गुड मॉर्निंग, कुणाल कर रहा है एडिटिंग, शालू देख रही है मोबाइल, नायरा खेल रही है, क्या खेल रही है, क्ले, और शिवानी यहाँ पे क्या बना रहे शिवानी, क्या पातोड़ी, ओके। तो दोस्तों आज शाम में हम लोग निकलने वाले हैं गोवा के लिए, हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी डिले हो चुकी है और जलगांव से अभी फर्स्ट टाइम हम लोग फ्लाइट से जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं यहाँ से फ़्लाइट स्टार्ट हुई है गोवा के लिए। तो हम लोग यहाँ से जब जाएंगे तो रात में 12 या 1 बजे तक गोवा पहुँचेंगे, जो हमारी फ़्लाइट 8 बजे थी वो 10 बजे हो गई है। तो गोवा पहुँचते पहुँचते हम लोग को 12:30 बजेगी और होटल में पहुँचने में हमें शायद 1 या 2 बज जाएंगे। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ रही है हम लोगों की, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम लोग ऐसे घूमने के लिए निकलने वाले हैं सभी लोग। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, मैं 10 बजे से बैठा था और मैं 3 ब्लॉग एडिट किए, क्योंकि हमें गोवा जा रहे हैं तो ज़्यादा गैप ना है इसके लिए, तो पहले से हमने 3 ब्लॉग एडिट कर लिए और अभी हम खाना खा रहे हैं। और आज खाने में बनी है पातोड़ी की सब्जी, दाल, आम अचार, रोटी, चावल, नमक। अभी पूजा अभी अखिलता बाहर गए काम से, भैया भी निकल चुका है वहाँ से, वो 4 बजे तक आ जाएगा और हम यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे करीबन 7:30 या 8 बजे। और नायरा का खाना हो गया, अभी थोड़ी देर मोबाइल देखती है। मैंने पातोड़ी बनाई, फिर पूजा पाठ करी हमने, थोड़ा ज़्यादा चला। शादी के पहले कैसे रहता ना? शादी के पहले नहीं मारी तुमने कभी डकार ऐसे? नहीं, मैं शादी के पहले भी पता है मैं डकार मारती थी तो बोलते क्या था कि ऐसे डकार नहीं मार सकते। अरे क्यों नहीं मार सकते, लड़कियां के जरूरी है कि लड़कियां खाए तो डकार नहीं मारती, सिर्फ लड़के ही मारे। हाँ। सिर्फ खुल के मेरा डकार भी खुल गया, छींकती हूँ बहुत तेज हूँ, मतलब ऐसा वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मरा डायरेक्ट बहुत जोर से मरा, खुल के मरा, डकार भी जोर से मारती। तो अभी मैं आया हूँ पूजा भाभी के क्लिनिक पे, थोड़ा चेहरे को थोड़ा सजाने सजाने के लिए। शालू भी आ चुकी है। और एक चीज़ बता दो, मैंने क्या लिया हुआ? अच्छा, अभी मैं और शिवानी गए थे कि नंबर का बनवाया हमने, क्योंकि बिना नंबर के मेरे को दिखेगा नहीं इसलिए। अच्छा दिख रहा है क्या? क्या शालू? और अभी भाभी ने पीलिंग करवा दी है मेरी और मैं आ गया हूँ घर पे, अभी देखते हैं सबके रिएक्शन। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है मेरे आगे ओ जान। अच्छा दिख रहा हो क्या? अच्छा लग रहा? अच्छा लग रहा। भैया अभी जस्ट हम लोग क्लिनिक से आए और मेरे को और शाहरुख को इतनी भूख लगी हुई थी कि सेकंड टाइम हम लोगों ने खिचड़ी ली और खा रहे हैं। मैं नहा के आता हूँ फिर मैं भी खा लूंगा। मेरा नहाना हो गया है, जल्दी रेडी हो जाओ, बस एक घंटा। मेरे को बता तू कैसा दिख रहा हूँ मैं? चल क्या कैसे दिख रहा है मतलब? वेट फॉर लॉन्ग। अच्छा गॉगल वॉगल भी लिए क्या? देखो नंबर वाला है क्या? हाँ क्या बात कर रहा है,
नंबर का ऐसा बनाया? नाइस वन, अच्छा है। थैंक यू गॉड, मस्त लग रहा है। सच्ची नंबर का है क्या? अच्छा है। पूजा तेरा देख, पहन के देखा? पहले खा लूं मैं। नंबर के चश्मे बना लिए? बिना नंबर के दिखता नहीं ना। सही है, चल जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ अभी। ये तो कुणाल शिवानी, इनकी बैग रेडी है, शालू की बैग रेडी है, हमारी बाकी है। तो पे हमारा खाना हो चुका है और यहाँ पे मम्मी का कॉल आ गया है। मोंटू, थैंक यू। हाँ फोन कर देंगे, आराम से जाओ, एंजॉय करो। यस चलो, और चंदू मनु भी आ गए डांस क्लास से। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग आप लोगों से बिना मिले आप लोग चले जाएं। वेरी गुड, मैं आ गई तुम दोनों। हाँ। पे पूजा अभी मम्मी से बात कर रहे हैं। सब लोग हैप्पी जर्नी के लिए, सब लोग हैप्पी जर्नी के लिए कॉल कर रहे हैं। और पापा भी आ गए, गाड़ी भी आ गई। चलो चलो चलो, मनु चांदनी हम लोग आते हैं। बाय, टेक केयर, एंजॉय करना। थैंक यू पापा, 2 घंटे में तो पहुंच जाएंगे। थैंक यू पापा, 2 घंटे। अभी बच्चे को जाने दो, पापा का प्लान बोल रहा, अपन सब समझी जाएगा। अपन तीनों समझी और अपन चार क्या बोले करेंगे। और क्या बाकी, बढ़िया। क्या बोले, समधना किधर रहेंगी? सब समधी समझेंगे, कपला कपला भेजना पड़ेगा इनको। कपल कपल चल जाना तुम, कपल चले जाएंगे, कपल कपल चले जाएंगे। अरे ये वाली चप्पल नहीं पहनना। हे भगवान, क्या चिट 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 करते हो रही। अभी यहाँ पे जाने की गड़बड़ है और सबको रील शूट करना है, एयरपोर्ट पे करना, वो ज्यादा अच्छा है ना, ट्रांजिशन एयरपोर्ट पे अच्छा लगेगा। सो एक्साइटेड हो? Yes. चंदू भी एक्साइटेड है वीडियोस देखने के लिए। Yes. चलो ऑल सेट। और यहाँ पे अखिल भैया, पूजा भाभी अभी रील शूट कर रहे हैं ट्रांजिशन वाला, ये देख रहे हैं अंदर। हाँ हाँ, चल बाय टप्पा, बाय। ध्यान रखना, भूखना नहीं ज्यादा। ओके, बाय बाय। चंदू, मैं मेरे टफी की जिम्मेदारी आपको सौंप के जा रहा हूँ। मैं टफी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, खाना पीना, जब भी खाना दो उसको पानी भी दे दिया करना, पक्का। और अलार्म लगा के रख लोगे क्या? भूल ना जाओ। और है ना, जब भी घर से वहाँ से आ गए ना क्लास से, तो उसका कूलर का बटन ऑन कर देना। और पानी भरना वगैरह रहेगा कूलर में? हाँ वो देख लेना। चलो, और जब क्लास पे आती तब बंद कर देना। तो छाछ एक टाइम देना और एक टाइम सूखी रोटी। सुबह छाछ और रात को रोटी। छाछ, समझ गया तू। तो ये जर्नी अच्छे से एंजॉय करना बहुत सारा। यस थैंक यू। तो ये आ गई हमारी टवेरा और सब लोग बैठ गए। चलो जय गोवा। बाय, अरे जय गोवा, जय गोवा। बाय मनु चांदनी, मिस करेंगे आप लोगों को। बाय 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 बाय। और फर्स्ट टाइम लाइफ में हम लोग आए हैं जलगांव एयरपोर्ट पे। बोलने के लिए अच्छा लगा। 3 ट्रिप है, मतलब अभी तक 2 या 3 ही दिन, 16 मई को स्टार्ट हुआ है मेरे बर्थडे के दिन। अच्छा, तो अभी फर्स्ट टाइम हम लोग जलगांव से गोवा जाने वाले हैं बाय फ्लाइट। तो हम सभी एक्साइटेड हैं। सबसे ज्यादा शालू एक्साइटेड। हाँ शालू, अच्छा शालू और भाई हो गए फर्स्ट टाइम बैठने वाले हैं, बाकी हम लोग बैठ चुके हैं। पापा नेक्स्ट टाइम पुणे से तुम भी जाना। ओके, जलगांव से पुणे एक बार फ्लाइट से जाएंगे, मम्मी को लेके जाना। हमारा जलगांव बदल रहा है। बहुत अच्छा बदल है। नायरा, बहुत अच्छा चेंज है। तो अभी पापा जा रहे हैं रिटर्न। नायरा
पपी दे दादू चलो बाय पप्पा चलो बाय फिर अंदर कैसे। और हमारा वेब चेकिंग हो गया और बोर्डिंग पास भी मिल गया क्या अभी तक और एक घंटा है यहाँ से एग्जिट गेट और अखिल भैया अभी मम्मी से बात कर रहे हैं हम लोग फ्लाइट का वेट करते करते बोर हो चुके और हमें भूख भी लग गई हम लोग खिचड़ी खा के आ गए थे बट अभी यहाँ पे बज रहे हैं 9:30 और अभी 10:10 को हमारी फ्लाइट है और पिछले एक घंटे से हम बैठे हुए हैं एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी आ गए घर से जाना है फ्लाइट है फ्लाइट है ज़्यादा ही जल्दी आ गए और फर्स्ट टाइम था इसलिए हम थोड़ा जल्दी आए नेक्स्ट टाइम से थोड़ा लेट आएंगे और फाइनली एक घंटा वेट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में फर्स्ट टाइम जलगांव टू गोवा क्या डर लग रहा क्या चालू फर्स्ट टाइम भाई फर्स्ट टाइम ये और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं फ्लाइट के पास यह है फ्लाइट जिसमें हम लोग जाने वाले हैं अभी बस हम लोग अंदर जाएंगे चलो चलो तो ये रही फ्लाइट तो अभी हमें सीट नंबर देखना होगा और फाइनली हमें हमारी सीट मिल चुकी है स्पेशली शालू के लिए विंडो सीट रख दी क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम है ओके और यहाँ पे भैया को भी विंडो सीट यहाँ पे शिवानी को सबको भूख लगी तो अभी पहले खाने का ऑर्डर कर देंगे लेट्स सेट गो और यहाँ पे अभी फ्लाइट हमारी टेक ऑफ करेगी तो अभी प्लेन लग चुका है रनवे पे अब करेगा टेक ऑफ 3 2 ब्लॉग लू ऐसा ऐसा हुआ पूरा वो प्लेन कसम से इज्जत से पड़ गई थी डायरेक्ट झूले में बैठने से डरते हैं तो झूल रहा था ये देखो अभी भी हो रहा है अभी भी हो रहा है अभी बस हम 5 मिनट में लैंड कर लेंगे पर अभी मैं भी बहुत डरा हूँ भाभी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हो अक्सर अरे प्लेन छोटा है ना तो ज्यादा लग रहा हूँ
अब चालू ही रहेगा। इतने डर गए हम लोग की बस अभी आ जाए बस नीचे आ जाए। वो भी वही बोले ना क्रू मेंबर भी वही बोले बड़े फ्लाइट में नहीं लगता वो लेता ये छोटी ऐसी डर गए थे ना क्यों इसके पहले भी बैठे पर इतना डर नहीं लगा जितना आज लगा। उस टाइम भी अपन डेट शिमला मनाली गए थे जब तो वहाँ पे कितना क्लाउडी क्लाउडी रहता है तो चंडीगढ़ कितना वो था में लैंड करने वाले हैं अभी ओ, नीचे जा रहा है प्लेन। हवा में ब्रेक है झटके बैठना स्टार्ट हो चुके हैं। ओ भाई 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 ये काय का लाइट है काय का लाइट है इधर भी देखो अच्छा अभी हम लोग नीचे उतर रहे इससे थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे वो ढक नहीं गया भाई इतने इंतजार के बाद फाइनली लैंड होने जा रहे हैं बैठे का झटका अभी 2 3 4 5 6 7 ओ पहुंच गए रे भाई ओ बाप रे बाप क्या था ये इतना गंदा। फाइनली पहुंच गए हम गोवा में बहुत धड़धड़ हो गई थी पड़ गई थी पर लैंड हो गए अच्छे से करके पूछे हाथ पे खड़े हो गए कल्पेश भी आ रहे थे तो कैप्टन के पास चल जाते थे भाई तू रुका दे मैं यहाँ से जाता। मजा आ गया पर मजा आ गया जो पास का एयरपोर्ट है उस पे लैंड कर तू जल्दी इमरजेंसी ऐसे बोल देते उतरता हूँ और अभी हमारे लगेज के लिए हम लोग रुके हैं। ये भाइयों की है ना ये क्या ये क्रीन हाथ निकाल 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 ये पकड़ बहुत डेंजर हो गए नायरा देखो इसको गुस्सा है कहाँ पे जा रही है ठीक है हम जा रहे हैं बाय। तो अभी हम लोग एग्जिट की तरफ जा रहे हैं ये लगेज हमने ट्रॉली पे रख दिए और हमारे होटल वाले का कॉल आ चुका है तो हमने उनको बोल दिया हम लोग 1 बजे तक पहुँचेंगे। अरे भूख लगी पहले कुछ खा लेना है या होटल पे ऑर्डर करना क्यों ऐसा तो जैसे पेट भरे शौक नहीं पूरे तो अभी हमने यहाँ से टैक्सी बुक कर ली है हमारी होटल यहाँ से है कुछ 33 किलोमीटर्स। चलो जल्दी होटल पे आके हमें खाना भी ऑर्डर करना है भूख लग गई है पर ये एरोप्लेन ने सबकी भूख भी मिटा दी थी। तो यहाँ पे हमने अर्टिका कर लिए बैग सब पीछे पैक कर दिए और अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा रूम और पता है आपको आते से ही ना यहाँ पे लाइट का इशू हो गया था। ये खाने के लिए अरेंजमेंट एक रूम यहाँ पे और सेम ऐसे रूम यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल रूम है
और आते से ना ऐसा हो गया था, ये जो हॉल का है यहाँ पे ना लाइट फैन कुछ भी नहीं चल रहा था, फिर इलेक्ट्रिशियन आए तो उन्होंने देखा, तो अभी हम लोगों ने उनको बुला के सब चीज़ें तो अभी सॉल्व कर दिए। और यहाँ पे ना गर्मी इतनी नहीं है, बट है वो बोलते हैं चिक्कड़ वाला पसीना एकदम वो वाला बहुत आ रहा है। और अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो खाने का ऑर्डर हम लोगों ने अभी दिया है, तो आधा घंटा तो बोल रहे कि खाने के लिए लगने वाला है। और नर्वस हो गई है ट्रैवलिंग के वक्त ही, नर्वस हो गई है, तो हम लोग सब खाने का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, हम लोग होटल में आए, हमने खाना अभी खाया क्योंकि होटल वाले भैया वो उनका किचन भी बंद हो चुका था, पर हमारे लिए उन्होंने कुछ स्पेशली अलग से बनाया। तो अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ब्लॉग हम लोग इधर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय।